एशिया कप 2022 को इससे डिजर्विंग विनर शायद ही मिलता। और अगर हम बात करें श्रीलंकन टीम की, चैंपियन बनकर वो इस पूरे टूर्नामेंट में खेली है और इस फाइनल गेम में भी उन्होंने लगभग वही करके दिखाया है। और एंड सबसे बड़ी बात इस चैंपियनशिप की, इस जीत की, वो ये है कि इस मैच में उनके चीज़ें जो है वो सारी की सारी उनके खिलाफ थी। जब और ये सिर्फ मैच से नहीं, शुरू में विकेट गिरने से नहीं, सीधे टॉस से, क्योंकि जैसे ही दोनों मैच होता है ऐसा लगता है कि टॉस जो जीता मैच वो जीत गया। लेकिन श्रीलंका ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा उलटफेर करके दिखाया है। श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 में अपनी जीत दर्ज कर दी है और एक ना एक कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है कि दो महीने बाद आप किसी भी तरह से इस टीम को हल्के में ना लें। बिल्कुल, और तकरीबन एक महीना बचा है, 16 अक्टूबर से वर्ल्ड कप है और बहुत ही बेहद ही शानदार खेली है श्रीलंका की टीम हर डिपार्टमेंट। और वो भूख प्लेयरों में है, वो चाहते हैं कि हम कुछ देश के लिए खेलें, कुछ करें, कुछ एम है, कुछ देख रहे हैं सामने, प्लेयरों के सामने कुछ है, कुछ नज़र आता है कि हाँ जो पहले क्रिकेट नज़र आता था प्लेयर्स के बीच में हमें देखने को मिलता था, वो क्रिकेट श्रीलंका के अंदर देखने को मिलता है, वो जुनून, वो पैशन देखने को मिलता है लड़कों के अंदर। और बहुत बेहद ही शानदार, हर चीज़ अगेंस्ट में जाकर जीतना ये श्रीलंका ही कर सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप में चेस किया इन्होंने ह्यूज टारगेट दुबई में, और यहाँ पर भी इस साल में उन्होंने एशिया कप में एक टारगेट को चेस किया था, बहुत ह्यूज टारगेट को। श्रीलंका के लिए ये टीम बहुत ज़्यादा पैशनेट है बड़े बड़े टारगेट को चेस करने के लिए और जीतने के लिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें कि क्या क्या चीज़ें उनके अगेंस्ट गई थी, तो सबसे पहले बात करें तो टॉस जीता पाकिस्तान ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। बहुत ही आसान सा कॉल था कि हम पहले बॉलिंग ले ली है। और जी हाँ, और उसमें मोस्टली टीम मैच जीत भी रही थी। श्रीलंका पहले बैटिंग करने के लिए आया, एंड अगर शुरू के फेस की बात करें तो शुरू का पूरा टॉस तो गया ही गया और शुरू का पूरा फेस भी खिलाफ था। बिल्कुल सही कहा आपने। अब शुरू के फेस की क्या बात करें, पावर प्ले को भी देखें तो रन जरूर बने थे वहाँ पे, 42 रन बने, 3 विकेट इंपॉर्टेंट विकेट गए, जो आपके प्लेयर थे पथु निसंका वो भी आउट हो गए, कुशाल मैंडिस वो गोल्डन डक पे आउट हुए, जी हाँ लगातार गोल्डन डक पे आउट हुए, गुणाठ इलाका भी उसी बीच में चले गए, तो ज़्यादा पावर प्ले में कुछ हुआ नहीं, देखते ही देखते 42 पे 3 हो गए, लेकिन थोड़ा सा रन जरूर बन गए, जी हाँ 42 रन आ गए, पर विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट गिरे। बिल्कुल, 7 के रन रेट से यहाँ पर रन बने और 42 रन शुरू के 3 में गिरे हैं। यहाँ पर पहले स्तर में जो बॉलिंग रही है पाकिस्तान की, पेस अटैक बॉलर्स की, वो काफ़ी शानदार रही है, इसमें कोई दौरान ये 3 विकेट पूरी तरह से पेसर्स के नाम रहे हैं। उसके बाद के फेस की बात करें, एंड 7 से जो 15 ओवर के बीच का फेस है, यहाँ पर मेरे ख्याल से हालात और भी ख़राब हो रहे थे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ऑल ऑफ अ सडन और विकेट गिर गए, जी हाँ आपके धनंजय डी सिल्वा भी आउट हो गए, यहाँ 28 रन जरूर किए उन्होंने, प्रॉपर्टीज जरूर की, लेकिन वो भी आउट हुए और देखते ही देखते स्कोर 58 पे 5 विकेट हो गया। बिल्कुल, यही देखते देखते 5 विकेट गिर गए, और यहाँ से तो बहुत ही उम्मीद कम थी कि ऐसा कुछ फाइट बैक होगा, जब तक हम क्रिकेट देख रहे थे चल रहा था मैच, लेकिन वलंडू हसरंगा आए वहाँ पर, उन्होंने बहुत ही बेहद ही शानदार पार्टनरशिप की आपके भानुका राजपक्षे के साथ और ज़बरदस्त उन्होंने 36 रन बनाए और टीम का स्कोर 117 पे 6 हो गया देखते देखते 15 ओवर और 75 पे 3 ये इस मिडिल फेस में बने, 75 रन भी बने 75 और 3 विकेट भी गिरे जो कि धनंजय शराका और वलंडू हसरंगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो 54 गेंदें थी यहाँ पर 75 रन बनाने में टीम कामयाब रही और 3 विकेट यहाँ पर उन्होंने खो दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो मैच का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था, कई सारे टर्निंग पॉइंट रहे, पहला टर्निंग पॉइंट ये था जहाँ पर भानुका राजपक्षे और हसरंगा ने काउंटर अटैक करना शुरू किया और ये उन्होंने रोकना, वहाँ पर उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया और ताबड़तोड़ सारे बॉलर्स की कवर ली, जो जो अपने पहले स्पेल में बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर गए थे पाकिस्तान के, सेकंड स्पेल में जबरदस्त कवर ली गई, चाहे की बात करें चाहे यहाँ पर हसनैन की बात करें, उसके बाद नसीम शाह का ओवर डेथ ओवर में आया, उसके बारे में क्या कहेंगे, 16 से 20 ओवर बहुत ही ज्यादा, जी हाँ बहुत ही एक्सपेंसिव गया और श्रीलंका के लिए बहुत ही अच्छा गया, 5 ओवर में 53 रन बने और कोई विकेट नहीं गिरा है, ये बहुत बड़ी बात है, विकेट लेस गए हैं तो 170 पे 6 ये था श्रीलंका का 20 ओवर के बाद स्कोर। और 71 राजपक्षे बहुत ही शानदार खेले हैं, उनकी
ठीक टाइम पर वैल्यूएबल इनिंग आई है। फाइनल में इस तरीके से उन्होंने इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है और वरुण हसरंगा ने भी 34 बनाए और चमिका ने भी 14 रन का कॉन्ट्रीब्यूट अच्छा किया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 58 में 5 से टीम 170 पर ऐसे ही नहीं पहुंचती। आपको इनके अंदर जज्बा था, लड़ने का दमखम था, इसीलिए वो लास्ट तक लड़ते रहे और टीम को 170 के स्कोर तक ले गए। इस बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें एंड फर्स्ट स्पेल में बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर रही है बॉलर्स की अगर हम देखें, लेकिन सेकंड स्पेल जब पाकिस्तान के बॉलर्स का आया तो बिल्कुल नाइटमेयर से कम नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने, राजपक्षे और हसरंगा ने पूरी तरीके से ओवरशैडो कर दिया, कुछ डरे नहीं, कुछ हुआ नहीं। शुरू में नजर आ रहा था कि फास्ट बॉलर्स एकदम तेजी के साथ जा रहे हैं, लेकिन राजपक्षे हसरंगा ने बहुत ही बाउंड्री के बाहर बॉलें भेजी। सिर्फ आपके हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी इंप्रेसिव बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 29 रन 3 विकेट। शादाब खान इकोनॉमिकल रहे लेकिन फील्डिंग से बहुत ही पुअर रहे शादाब खान, कुछ 2 कैच होनी चाहिए थी उनकी क्वालिटी की, और बिल्कुल वो आज बहुत ही खराब रहे थे फील्डिंग। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दुबई के ग्राउंड में अगर हम कहें टीम चेस कर रही हो तो 170 या 190 भी सेफ टारगेट नहीं होता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रीलंका के माइंड में हो सकता है कि उन्हें लगा होगा कि 10-15 रन कम से कम रह गए, लेकिन जो टीम 58 में 5 थी वो अगर 170 पहुंच गई है तो वो 10-15 रन कम नहीं बल्कि 112 रन ज्यादा है कहीं ना कहीं 58 से 5 पर अगर आप देखेंगे तो। खैर, लेकिन जैसे हमने पहले ही कहा कि मोस्ट डिजर्विंग टीम अगर कोई थी इस पूरे एशिया कप में जो इस ट्रॉफी को जीतने की हकदार थी तो वही जीती है। श्रीलंका की बात करें, इस तरह का जज्बा उन्होंने दिखाया एंड 170 डिफेंड किस तरह से किया उन्होंने फर्स्ट फेज। बिल्कुल, फर्स्ट फेज की बात करें पावर प्ले की, जो बहुत ही बड़ा विकेट पाकिस्तान ने खोया और शुरू में थोड़े से एक बॉल में 10 रन बन गए थे, इतना बड़ा एडवांटेज मिला था पाकिस्तान को, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वो। और 6 ओवर में 37 पे 2 ये स्कोर था पाकिस्तान का जो कि पावर प्ले के बाद था। और बाबर आजम फिर सुपर फ्लॉप हुए, इतने बड़े मैच में सुपर फ्लॉप हुए थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनका रहा है। फखर जमा बिल्कुल वेस्टलेस वेस्ट गए हैं गोल्डन टक पर, इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बैटिंग से तो कुछ नहीं किया है, फील्डिंग में भी बहुत हॉरिबल रहे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप अगर आप देखेंगे एक बॉल में 10 रन हो गए थे पाकिस्तान के और पावर प्ले में उनका स्कोर 37 रन तक ही पहुंच पाया, यानी अगली जो उनके पास बॉलें थी 35 बॉलों में सिर्फ वो जोड़ पाए 27 रन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाता है कि श्रीलंका ने काफी टाइट बॉलिंग तो रखी, साथ में बहुत डिफेंसिव अप्रोच भी पाकिस्तान का नजर आया, अननेसेसरी डिफेंसिव अप्रोच, कई ऐसे बॉलिंग थी जहाँ पर शॉट्स आ सकते थे वहां पर भी वो रोकने में लगे हुए थे। उसके बाद की फेस की बात करें मिड फेस में कहीं ना कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि शायद पाकिस्तान वापसी करेगा या फिर कोई पार्टनरशिप हुई थी। बिल्कुल, एक इफ्तिकार अहमद और रिजवान के बीच पार्टनरशिप हुई, सिंगल यही एक पार्टनरशिप थी जो पाकिस्तान को 15 ओवर तक 101 रन पे 3 विकेट ये स्कोर था पाकिस्तान का, 64 रन बने इस फेस में, पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में हुई लेकिन इतनी स्लो थी कि मैं मतलब पार्टनरशिप तो कहनी ही नहीं चाहिए, ये तो मतलब कहना चाहिए कि खुद ही रोका, खुद ही डिफेंस किया जबरदस्ती का, इतना स्लो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते थे आप जबकि आप। और इस्तेकार की बात करूँ तो 31 बॉलों में उन्होंने 32 रन बनाए, तो इतने बॉलर में तो कोई भी पार्टनरशिप कर देगा, इतनी बॉलर अगर बॉलर खेल ले उसको भी पार्टनरशिप कर जाएगा। तो ये नहीं कहूंगा 64 रन बने 1 विकेट कुछ नहीं इंप्रेसिव नहीं है इसमें, आप चेस कर रहे हैं, आप पहला टारगेट नहीं दे रहे हैं तो इसमें कोई फायदा नहीं। जी आप, ये है मैच, इस मैच का सेकंड टर्निंग पॉइंट जी हाँ, वो है ये स्लोएस्ट पार्टनरशिप रिजवान और इफ्तिकार के बीच में। आप अगर गेंदें देखेंगे एंड रिजवान की बॉल्स अगर आप बताएं 49 बॉल्स पर उन्होंने 55 रन बनाए 31 पे 32, और एक वक्त था कि 42 बॉलों में 43 रन थे रिजवान के, इतनी सारी बॉल यानी 50 बॉलें आपने ले ली है, तो ये कहीं ना कहीं एक क्राइम है जब आप चेस कर रहे हैं 170 के आसपास। वहीं पर इफ्तिकार की बात करें, उन्होंने भी 32 बॉलें ले ली अपने 31 रन जोड़ने के लिए, यानी सिर्फ इन दोनों प्लेयरों ने मिलकर अगर मैं देखूं यहां पर काउंट करूं तो 80 के आसपास बॉल इन्होंने ले ली और रन इन्होंने बनाए 55-30 85 रन। अब आप सोचिए T20 क्रिकेट में आप 170 चेस कर रहे हैं दुबई के ग्राउंड पर, तो आपने 80 बॉलों में 85 रन मार रहे हैं, ये किसी भी समझ से परे, कम से कम 130-135-140 के आसपास में आपको लगाना होगा, जबकि आपको पता है कि आपके बाद 8 विकेट अभी और आने बाकी है क्योंकि जब आप बैटिंग कर रहे थे तब 2 विकेट गिरे थे पाकिस्तान के। एंड उसके बाद लास्ट फेज में जाकर बात करने के लिए है नहीं, ड्रास्टिकल पुअर परफॉर्मेंस हुआ है, यहीं पर समझ में आ गया था कि ये मैच जा रहा है। और उसके बाद एक और बार वापस से कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की इनकंसिस्टेंसी है उसे खोल के रख दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, और लास्ट कुछ बेहतरीन बॉलिंग भी तो एक्सेप्शनल बॉलिंग हुई है उनकी तरफ से। चलिए उनकी बॉलिंग की बात हो जाए। बिल्कुल सही, बॉलिंग की बात करें तो मधुशन, जी हाँ मधुशन ने आज 4 विकेट लिए, अपना मैच खेला उन्होंने, शनाखत की कप्तानी को मानना होगा, लेके आए
उन्हें और डायरेक्ट उन्होंने फोफर दिया है, जबरदस्त बॉलिंग उन्होंने कराई है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। बाबर आजम और फखर का बैक टू बैक विकेट लिया उन्होंने, इफ्तिखार को आउट किया और वलंडो हसरंगा 3 विकेट उन्होंने निकाले हैं। बहुत बड़े मैच के प्लेयर हैं वो और वर्ल्ड कप में बहुत होप रहेगी उनसे, लैगी है वो बहुत ज़्यादा होप रहेगी। तो श्रीलंका की पूरी बॉलिंग डिपार्टमेंट ने जबरदस्त जबरदस्त बॉलिंग कराई है, दीक्षाना ने भी, मधुशन ने और आपके और मधुशंका ने और वलंडो हसरंगा ने। बिल्कुल, एंड बाबर और दासू सनागली कप्तानी को आप किस तरह से देख रहे हैं इस फाइनल गेम? मैं आप भी कहूँगा क्लार्क सर ने जो कहा था उसको मानिए, मानिए और मानिए। बिल्कुल, क्लार्क सर का बयान है अब बहुत पहले दिया था उन्होंने कि बाबर आजम कप जिताने वाले कप्तान नहीं है, वो उन्हें सरफराज अहमद में दिखता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन्हें बना दीजिए, बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन सरफराज अहमद में वो क्वालिटी थी जो इनमें वो नहीं है, ये मेरा मानना नहीं है। ये 2015 के चैंपियन मार्केट क्लार्क सर का मानना है, अगर आपको वो भी झूठे लगते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए इसमें क्या कह सकते। खैर चलिए, यहाँ पर अभी तक भी कप से जो है नदारद है अगर हम बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम की बात करें। एंड वहीं पर दासू सनागा के बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है और ओवरऑल जिस तरह से इस टीम को वो बांध रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर साथ में है नहीं, क्या कहेंगे आप? ये तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता, ये मुझे सोचने पे भी हमें अजीब लगता है कि ये हो क्या रहा है, शनाखा कर क्या रहे हैं, जबरदस्त हैं, कहाँ थे आप अब तक, अब आ लेकिन आ गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। टीम को बहुत हाई होप है वर्ल्ड कप में कि ये टीम बहुत बहुत अच्छा करेगी। लास्ट ईयर भी एक लगातार 3 मैच जीते थे, शुरू के 2 हार गए थे इसलिए बाहर होना पड़ा, लेकिन इस बार बहुत उम्मीद है कि इस बार बाकी टीमों को बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ खेलना होगा श्रीलंका से, वो हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले, बिल्कुल हल्के में ले सकते हैं आप। सुपर 4 में एक टॉप कंटेंडर परफॉर्मेंस उन्होंने कर दिखाया श्रीलंका ने, सिर्फ यही सीरीज नहीं इससे पहले भी जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेले तो वहाँ पर भी, तो ओवरऑल बहुत ही शानदार रहा है, कंग्रेचुलेशन श्रीलंका, बेहतरीन विन यहाँ पर रहा है और 6 मैचेस में 5 मैच जीते हैं, सबसे ज्यादा है उनके आसपास कोई नहीं है, सेकंड हाईएस्ट है वो 3 है इंडिया और पाकिस्तान अपने 6-6 और 5-5 गेम्स पे, बहुत ही शानदार रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। आपके इस पूरे एशिया कप के श्रीलंका की तरफ से मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेयर एक नाम, मतलब मैं मधुशंका को बोलूंगा, मैं उन्हें कहूंगा क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग जितनी ज़्यादा बेटर होगी उतना ज़्यादा कप के लिए चांसेस और हाई होते चले जाएंगे। बैटिंग आप मारिए मारिए इधर उधर ऐसे ऐसे शॉट मार दिए, T20 क्रिकेट है ये, यहाँ कोई भी मार सकता है, लेकिन क्वालिटी अगर आपकी बॉलिंग में होगी तो आप छोटे छोटे टारगेट को डिफेंड कर लेंगे, वो नज़र आ रहा है श्रीलंका। बिल्कुल, फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। वापस से कांग्रेचुलेशंस श्रीलंका।